मोदी जी कोई काम नहीं किया ना, कुछ काम नहीं किया है आज तो। 5 किलो राशन दे रहा है, पक्का का मकान दे रहा है, दे रहा है तो अंदर से चूस के निकाल रहा है। कौन जीतने वाला है? लास्ट में कमल फूल जीतेगा। कमल फूल जीतेगा, अच्छा ढुल्लू महतो जी। तो किसका फैक्टर है, क्या मोदी जी के फैक्टर की वजह से जीतेंगे? परिवर्तन चाह रहे थे, अच्छा, लेकिन एमपी जो बने ना, जो पीएन सिंह थे, वो परिवर्तन हो गए। वो भी तो भाजपा के एमपी थे, भाजपा के थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे, ये लोकल हो गए। अब इसलिए इसको लोग वोट लोकल कहते हैं। अनुपमा सिंह भी तो लोकल ही है। अब लोकल है, हम लोग तो नहीं जानते हैं कि लोकल है। तो मतलब लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का परिभाषा क्या है? स्थाई जो है, मतलब झारखंड का। हाँ, 1935 का खतियान है। अच्छा, तो ढुल्लू महतो के पास खतियान है। हाँ, दिखा सकते हैं वो। हाँ, इसमें दावेदारी तो दोनों का है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन आगे है। अच्छा, इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो एक जुमला है, वो जुमला 10 साल लोगों ने देख लिया। अच्छा, जुमला देख लिया जी। जितना 2 करोड़ नौकरी और ये सब रोजगार चला गया। क्या लग रहा है इस बार धनबाद सीट पर कौन जीतने वाला है? लोकल से ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो जीतेंगे। पेट्रोल आज सोचिए कि 100 रुपया लीटर है। हाँ। पहले इतना महंगा ही था, नहीं था। अच्छा। लेकिन जब से मोदी जी आया है, हाँ, तो अब से पेट्रोल का महंगाई हो गया है। कमाई भी तो बढ़ गया है। कमाई कहाँ बढ़ा है? पहले 100 को दे रहा है, लेबर का दम 150 बोला था। पहले बोला था कि हम कोई लाख देंगे नौकरी। धनबाद सीट पर मुकाबला का तो बड़ी जबरदस्त होने वाला है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? माहौल अभी किसका बोलने, तो लगता है इसी का होगा, कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाले का होगा। अच्छा, माहौल किसका है धनबाद में? धनबाद में कांग्रेस का ही माहौल। कांग्रेस का माहौल है। काफी लोग हैं मतदाता धनबाद के। जीतेगा कौन और क्यों जीतेगा? हाथ के नीचे ही होगा कमल। अच्छा, हाथ के नीचे होगा कमल, ऐसा क्यों? ऐसा है, काम है क्या है मोदी? अच्छा, काम बढ़िया करता तो उसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, काम मोदी जी ने किए हैं? नहीं किए हैं। कुछ तो किए होंगे। किए हैं। क्या किए हैं? वही खाली अफवाह उड़ाए हैं, 15 लाख देंगे तो गरीब को रोजगार देंगे। अच्छा, यही वाला किया? यही सब किए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी महकमे में उठा पटक जारी है, और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में जो है खलबली मच रही है। मतदाताओं में भी अब रुचि दिखने लगा है। तो अभी मैं झारखंड के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र धनबाद के चंदन क्यारी विधानसभा के एक चौक पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि अब जो है सभी पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कि एनडीए की ओर से जो है भाजपा के कदावर नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो झारखंड में आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से जो है कल्पना सुरेन आ रही है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि धनबाद की जनता इस बार किसको अपना सांसद चुनना पसंद करेगी और क्यों करेगी। क्या लग रहा है इस बार धनबाद सीट पर कौन जीतने वाला है? लोकल से ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो जीतेंगे। अच्छा, ढुल्लू महतो क्यों जीतेंगे, क्या फैक्टर है? ये हम लोग का लोकल आदमी है। अच्छा, और गरीब के लिए बहुत सारा अच्छा काम भी करता है, और इससे पहले भी यहाँ कहा के आदमी को देखभाल करता है। कुछ क्या लग रहा है चाचा? ठीक लग रहा है। कौन जीतेगा धनबाद सीट? हाथ छाप। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अभी कहा मुश्किल है। क्या माहौल किसका लग रहा है? माहौल अभी कांग्रेस का ही। कांग्रेस का माहौल लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल लग रहा है। चलिए आइए, होटल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आइए लोग चाय वो पी रहे हैं। होटल में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं किसका माहौल लग रहा है। बाकी सभी पार्टी के प्रत्याशी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशी के लोग जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और क्या लग रहा है सर, धनबाद का माहौल कैसा है? धनबाद का माहौल तो बहुत कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट है, तो कॉन्टेस्ट किस किस के बीच में है? दो के बीच में। दो कौन कौन है? कमल फूल और हाथ छाप। कौन जीतने वाला है? लास्ट में कमल फूल जीतेगा। कमल फूल जीतेगा, अच्छा ढुल्लू महतो जी। तो किसका फैक्टर है, क्या मोदी जी के फैक्टर की वजह से जीतेंगे? नहीं, अपना मोदी नहीं, लोग परिवर्तन चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन एमपी जो बने ना, जो पीएन सिंह थे, वो परिवर्तन हो गए। वो भी तो भाजपा के एमपी थे, भाजपा के थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे, ये लोकल हो गए। अब इसलिए इसको लोग वोट लोकल कहते हैं। अनुपमा सिंह भी तो लोकल ही है।
आप लोकल है, हम लोग तो नहीं जानते हैं कि लोकल है। तो मतलब लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का परिभाषा क्या है? स्थाई जो है, मतलब झारखंड का। हाँ, 1935 का खतियान है। अच्छा, तो ढुल्लू महतो के पास खतियान है। हाँ, दिखा सकते हैं वो। हाँ, वो तो सबसे बिहार से आया। तो फिर ऐसे कहिएगा, तो फिर लोकल ऐसे तो कहिएगा कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले आके बनारस में चुनाव लड़ते हैं, तो ये संसदीय चुनाव हो रहा है, इसमें बाहरी भीतरी का क्या खेल? हम लोग चाहते हैं इस बार क्या कह रहा है, बाहरी भीतरी का खेल होना चाहिए इसमें? नहीं 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 होना चाहिए ना, ये तो संसदीय है ना, इसमें बाहरी भीतरी का कोई खेल नहीं है इसमें। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जीतेगा आप देखिए, उसके आप नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। माहौल किसका किसका है? माहौल ढुल्लू महतो का और अनुपम सिंह का, दोनों में मुकाबला है। दोनों में मुकाबला है। अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा 10 साल का आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ। दो तीन काम जो सबसे अच्छा काम किया। हाँ, ये जो एक राम मंदिर का जो मुद्दा था, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कितना आदमी मर्डर होता था, मरता था, लेकिन सब कोई खुश है इंडिया में कि जो राम मंदिर बन गया, फैसला हो गया एक तरफा। तो फैसला एक तरफा हो गया, तो फैसला तो कोर्ट दिया है, मोदी जी थोड़ी दिया है फैसला। ना कोर्ट तो दिया है, उसमें संघर्ष किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मोदी जी संघर्ष किया है ना, फैसला देने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कोई नेता थोड़ी हो सकता है, देश में सर्वोच्च न्यायालय है। धनबाद संसदीय क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, दो दो प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? इसमें दावेदारी तो दोनों का है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन आगे है। अच्छा, इंडिया गठबंधन आगे में। इंडिया गठबंधन में का सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है आपको? नेता का बात छोड़िए, अभी जो देश की स्थिति है, संविधान बचाने की बात है। अच्छा, संविधान बचाने की बात, इसलिए अभी इंडिया गठबंधन ही। अच्छा, संविधान बचाने की जो बात जी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो एक जुमला है। अच्छा, वो जुमला 10 साल लोगों ने देख लिया। अच्छा, जुमला देख लिया जी, जितना 2 करोड़ नौकरी और ये सब रोजगार चला गया। नौकरी का तो अलग बात। अच्छा, है, लेकिन समस्या इनका भी इस बार में कोई उपाय नहीं। अच्छा, इस बार कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं। क्या लग रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का है, तो कांग्रेस के कौन प्रत्याशी है धनबाद से? धनबाद का तो ये क्या ना, वो अनुपम सिंह। अनुपमा सिंह है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों का अपना अपना विचार है। आइए इधर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने क्या लग रहा है। चाचा बोलिए। धनबाद सीट पर मुकाबला का तो बड़ी जबरदस्त होने वाला है, सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। बड़े बड़े नेता भी झारखंड में आ रहे हैं, जिताने वाले तो आप लोग हैं, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? माहौल अभी किसका बोलते हैं, तो लगता है इसी का होगा, कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाले का होगा। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल किसका है धनबाद में? धनबाद में कांग्रेस का ही माहौल। कांग्रेस का माहौल है। हाँ। तो मोदी जी का कार्यकाल से नाखुश हैं आप? नाखुश है। हाँ। का है? अब का है तो उतना तो नहीं बता पाएंगे, को लिस्ट लाना लिख देंगे। अच्छा, लिस्ट लिखिएगा। हाँ। लिस्ट लिख ये देख, इधर आइए। क्या नाम हुआ? सुखराम कुस्कू। सुखराम कुस्कू जी, ये बताइए कि धनबाद में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह है ना, और भाजपा से हैं ढुल्लू महतो जी, मुकाबला कैसा है? अनुपम का। अनुपमा जी हैं, तो अनुपमा जी कैसे जीतेंगे? हाँ, मोदी जी खड़ा है, अब की बार 400 पार कर रहे हैं। हाँ, से जीतेगा, वोट देगा तब जीतेगा। अच्छा, वोट दीजिएगा तब जीतेंगे। अच्छा, वोट दीजिएगा तब जीतेंगे। चलिए, धनबाद सीट पर मुकाबला बड़ी जबरदस्त होने वाला है, ढुल्लू महतो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मोदी जी के परिवार से हैं, लगातार भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, बड़े बड़े कदावर नेता झारखंड में आ रहे हैं उनको जिताने के लिए, और इंडिया गठबंधन की ओर से भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कल्पना सोरेन आई अनुपमा सिंह के सभा में, और भी तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन जिताने वाले तो आप ही लोग हैं, मतदाता धनबाद के। जीतेगा कौन और क्यों जीतेगा? हाथ के नीचे ही होगा कमल। अच्छा, हाथ के नीचे होगा कमल, ऐसा क्यों? ऐसा है, काम है क्या है मोदी? अच्छा, काम बढ़िया करता तो उसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, काम मोदी जी ने किए? नहीं किए। कुछ तो किए होंगे। किए हैं। क्या किए हैं? वही खाली अफवाह उड़ाए हैं, 15 लाख देंगे तो गरीब को रोजगार देंगे। अच्छा, यही वाला? यही सब किए हैं। हाँ जी, एकदम सही बात है, एकदम यही सही। 15 लाख आया आपके खाते में? किसी का खाते में अभी तक 15 लाख रुपए नहीं आया। आया है? नहीं आया है, नहीं आया। तो इस बार धनबाद में क्या बदलना चाहते हैं? एकदम बदलाव जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि पीएन सिंह 15 साल सांसद रहे ना, क्या उनका काम कैसा रहा? पीएम सिंह को हम लोग देखे नहीं किए 15 साल में, कहीं नहीं देखे। नहीं देखे, उनको जानते हैं, उसका चेहरा भी बोलिएगा ना कैसा है तो पता नहीं हम लोग को। वो घर में बैठा रहता है उधर ही। अच्छा, घर में बैठा रहता है, चंदन कैरी नहीं आता है। चंदन कैरी भी नहीं करता? नहीं आता। अच्छा, चलिए इधर युवा है, युवा लोगों से बातचीत करते हैं, आइए।
क्या लग रहा है दादा कि इस बार धनबाद सीट पर मुकाबला का तो बड़ी खतरनाक और कांटे का टक्कर होने वाला है, ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह बाहरी भीतरी का भी खेल चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? इसमें हम लोग का कहना है यही है कि बाहरी भीतरी जो है इसी में इनका जो वोट कटौत होगा, इसमें जो है अनुपमा सिंह खड़ा है इसी का इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट आएगा। अच्छा, अनुपमा सिंह जी का ज्यादा वोट आएगा। क्या लग रहा है इस बार? एकदम इस बार कांग्रेस जिंदा रहे करेगा, आएगा आएगा कांग्रेस एकदम आईबे करेगा, आइए कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट में बहुमत करेगा, बहुमत करेगा। देखिए तो अलग अलग लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। तो लगातार हम लोग आपको धनबाद संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा में जाकर रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या है। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखिए, चाहे किसी भी दल के नेता हो, झारखंडियों को लुभाने के लिए, यहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आप सोचिए कि अब जो है जात पात की भी राजनीति होने लगी है, धर्म की भी राजनीति होने लगी है। ये बताइए कि चुनाव का माहौल है और मोदी जी कह रहे हैं अबकी बार 400 पार, एको कम नहीं, तब ओ पार होगा चाहे नहीं होगा। हाँ। जो हम लोग को आदि है हम लोग तो उसी में जाएंगे। आप किसके आदि हैं? हम लोग कांग्रेस का आदि है। ऐसे कहे कांग्रेस के आदि है, मोदी जी कोई काम नहीं किया ना? हाँ। कुछ काम नहीं किया है आज तक। 5 किलो राशन दे रहा है, पक्का का मकान दे रहा है, दे रहा है तो अंदर से चूस के निकाल रहा है। कैसे चूस के निकाल? हाँ, अंदर से चूस के निकाल देता है। जब 5 रुपया का चावल देता है ना, फ्री का चावल, फ्री देता है, लेकिन वो नहीं देता है, वो मोदी जी नहीं देता है, वो दूसरे नेता दे रहा है। आज का नहीं है, पहले का है। हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, 5 लाख तक फ्री में इलाज हो रहा है। आज तक तो कभी इलाज नहीं हुआ है। बनवाइएगा कार्ड तब ना होगा। कार्ड बनाए हैं, फिर भी हॉस्पिटल जाइएगा, फिर भी बोलेगा कार्ड बनाना पड़ेगा, तो उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा बोलिए, अब पक्का का मकान जो दे रहे हैं, कहाँ पक्का मकान मिला है? चलिए दिखा देंगे। अच्छा, नहीं पक्का मकान मिला है। अब 1000 रुपया पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। गैस चूल्हा सिलेंडर मिलता है? जिसका मिलता है मिला है। अच्छा। हम लोग उसका कुछ नहीं लिए हैं। काहे नहीं लिए हैं? नहीं लेंगे। नाराज है क्या उनसे? ना नाराज तो है ये है, कुछ देवे नहीं किया है। महंगा इतना महंगा पेट्रोल आज सोचिए कि 100 रुपया लीटर है, पहले इतना महंगाई था नहीं था। अच्छा। लेकिन जब से मोदी जी आया है तब से पेट्रोल का महंगाई हो गया है। तो कमाई भी तो बढ़ गया है। कमाई कहाँ बढ़ा है? पहले 100 रुपए दे रहा है, लेबर का दम 150 बोला था। पहले बोला था कि हम 1 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ रोजगार बोले, रोजगार देंगे, लेकिन आज तक तो नहीं दिया। सब बाहरिया तो घुस रहा है प्लांट में। अच्छा, आप तो देखिए रहे हैं, तो हम लोग को क्या दिया झारखंड का आदमी का? ये बताइए कि जब वोट पड़ रहा है इसमें भी बाहरी भीतरी का खेल चल रहा है, इसपे क्या कहिएगा? खेल तो चलिए रहा है, वही खेल चल रहा है। अब पब्लिक का, अब होश में आया है पब्लिक, अब पता चलेगा। तो दोनों प्रत्याशी का तो बाहर के हैं? दोनों प्रत्याशी बाहर का है, लेकिन जो है हम लोग का उसी में जाएंगे ना। हाँ, कौन है आप लोग का? हम लोग का है कांग्रेस। कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन करवा लिए क्या आप लोग? कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। अच्छा, देख लीजिए कह रहे हैं कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले ही। हाँ, बताओ कांग्रेस के कौन प्रत्याशी है धनबाद से? है धनबाद सीट पर कांग्रेस की कौन सी प्रत्याशी है? कौन सा प्रत्याशी है? अनुपंखा। अनुपंखा? हाँ जी, अनुपंखा जी बताइए। अनुपमा सिंह? हाँ, अनुपमा सिंह है। नाम भुला जा रहे हैं? हाँ, भुला जाते हैं। अच्छा चलिए, और ढुल्लू महतो के बारे में क्या कहना चाहिए? ढुल्लू महतो तो आप तो जानबे कर रहे हैं कि हम नहीं जान रहे, आप बताइए। वो तो 5 किलो का चावल में वो भी घुस रहा है, तो कैसे जाएंगे उधर? अच्छा बोलिए। अच्छा, ढुल्लू महतो का तो स्थानीय है, लोग आते हैं, लोगों से मिलते हैं? आते हैं, मिलते हैं, जिससे मिलता है उसी से मिलता है। अच्छा, गरीबों से नहीं मिलता? गरीब से कभी नहीं मिलता है। अच्छा, ना मिला है। अच्छा, आज तक नहीं मिला है। चलिए, ढुल्लू महतो का बिहारी लोग का वोट नहीं मिला बोकारो धनबाद से? अच्छा, भी जान लीजिए। बाहरी लोग नाराज है क्या उनसे? एकदम पूरी नाराज। कहा है बाहरी लोग नाराज? बाहरी का नेता है ये नहीं है इसमें एमपी में। अच्छा, अभी तक किसी लोकल है? लोकल है, लोकल आदमी झुकेगा ही। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। बाकी 25 मई को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी मतदाता होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जिस दल को जो पसंद करता है, जिसका जो विचारधारा अच्छा लगता है, जिस नेता का या जिस पार्टी का जिसको जो विचारधारा लगता है उसको फॉलो करता है, उसके विचारधारा को फॉलो करता है, उसके कामों को पसंद करता है। बाकी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी मुकाबला जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, कांटे का टक्कर होने वाला है। दोनों प्रत्याशी जो है कोई नहीं कह सकता है कि हम जीतेंगे। जिताने वाले तो असली मतदाता है यहाँ के। बाकी मुकाबला अच्छा होने वाला है। 25 मई को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि अनुपमा सिंह जीतती है कि ढुल्लू महतो जीतते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।